धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। Thank you.
रखिया करो,
रखे आबरो रखे आ करो जाए
ग्रह तज बन खंड जाए चुन खाए कंदा अज हो बिकार ना छोड़ पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पव जल निध भारी राख राख मेरे बीठ ना जन शरण तुम्हारी गुरु नानक जी 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 रखे करो रखे करो करो रखे करो रखे करो रखे करो हाथ दे राखे अपने को
सास सास रत पा प्रभु से हो लाग रहो मेरा चीत आद अंत प्रभु सदा सहा तन हमारा मीत रहा मन बिलास पे साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नान रब पूरन पैज
रखिया करो प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जप
आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
अपने सतगुर के बलहारे, सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, बलहारे सारे मा बड़ा अपने सतगुर के बलहारे, सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, सफल दर्शन अकाल मूरत कब है भी गोवन हारा, सफल दर्शन अकाल कब है भी है भी भुवन हारा, अंतर जामी करने हारा, सोए कसम हमारा, अंतर जामी करने हारा,
कार्य सफल दर्शन अकाल मूरत
प्रभ है भी होवनहारा, प्रभ है भी होवनहारा। अकाल मूरत यहर से बोलिए धन गुरु नानक। कथा चल रही है श्री जपजी साहिब जी के बाणी के अर्थों के, भाव अर्थों के, और शब्द चल रहा है, आज का शब्द है, आज का अक्षर है अकाल मूरत। अकाल शब्द भी श्रवण कर रहे हैं, सफल दर्शन अकाल मूरत। प्रभ है भी होवनहारा, जो है भी और आगे भी हमेशा रहेगा अकाल मूरत। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। ये अकाल मूरत क्या है? अकाल अलग है, मूरत अलग है, दोनों को एक साथ भी पढ़ा जा सकता है, पर अगर गहरे भाव को समझना है तो अकाल अलग है, मूरत अलग अक्षर है। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा शब्द है जो पढ़ रहे हैं, पहले इसका शॉर्ट में थोड़ा सा अर्थ समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं कि अकाल मूरत क्या है। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है भी होवनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपने प्रीत प्यारा। अकाल मूरत एक ओंकार का गुण है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार का गुण है अकाल मूरत। अकाल मूरत परमेश्वर को ही कहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा फरमाते हैं, क्या करता है वो? कंठ लगाए अपने जन राखे, अपने प्रीत प्यारा। अपने भक्तों को अपनी भक्ति देकर, अपना प्रेम देकर, अपने गले से लगाकर रखता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अपने भक्तों को प्रेमा भक्ति देकर, अपने गले से लगाकर रखता है। वाणी कह रही है कि वो गले से लगाकर रखता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमें महसूस नहीं होता, पर आज जब गुरु मेहर करेगा, आज के प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो गुरु ये साबित कर देता है कि वो गले से लगा के रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वाणी से साबित करते हैं। आइए दो पंक्तियां पढ़े, साथ साथ में अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है भी होवनहारा। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है भी होवनहारा। प्यास से बोलिए धन। असल में तो इन शब्द की पंक्तियां बड़ी सरल हैं। गुरु पूरा भेटियो वडपागी, मने भया प्रगासा। मुझे पूरा गुरु मिल गया, जिसने मेरे हृदय में नाम का प्रकाश कर दिया, मुझे आत्मिक जीवन बख्श दिया। कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहब का भरवासा। अब मुझे मालिक का सहारा हो गया, उसकी ओट मिल गई है। किस मालिक की? अकाल मूरत की, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जिसके जैसी शक्ति दूसरी कोई नहीं। अकाल मूरत कौन? जिसका नाम है सतनाम, और वो सतनाम कौन है? किसका नाम है? एक ओंकार। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उस अकाल पुरख परम शक्ति का नाम सतनाम, जिसका गुण है अकाल मूरत। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने सतगुरु के बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे। गुरु ने मेरे हृदय में नाम का प्रकाश कर दिया। आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे कहा है परलोक को, पाछे कहा है इस धरती को। मेरे हृदय में घर कहा है हृदय को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मेरे हृदय में गुरु ने अडोल अवस्था बख्श दी है। मेरा मन नाम में भीग गया है, प्रकाश हो गया है नाम का हृदय में। अब मुझे यहां भी सुखी हूं और ये सुख तो मरने के बाद भी साथ में जाता है, इसलिए आगे भी मैं सुखी रहूंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ए लोक सुखी है पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर जामी करणे हारा, सोई खसम हमारा। निर्भव भय गुर चरण लागे, एक राम नाम आधारा। अगर इस पंक्ति का अर्थ करने जाए डिटेल में तो पूरा प्रकरण है कि राम नाम का आधारा जिस हृदय को है वही निर्भव हो सकता है। बस हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर पाशा फरमा रहे हैं कि मेरा मन निर्भव हो गया क्योंकि मेरा मन गुरु के चरणों से जुड़ा रहता है। अब मुझे किसी का डर नहीं, क्यों? जब मन गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है तो गुरु मेरे साथ है। अब मुझे किसी का डर नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है भी हो वनहारा। दुनियावी राजे, एक गया दूसरा आता है, दूसरा गया तीसरा आता है, ये राज भी नष्ट हो जाएगा। जिस पृथ्वी पर राज जो है वो भी नष्ट हो जाएगी, पर उसका राज अटल है। प्रभ है भी होवनहारा। जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी उसका राज रहेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा बड़ी वडियाई। अचरज शोभा कारज आया रासे, नानक को गुरु पूरा भेटियो सगले दुख विनाशे। सिंपल अर्थ है, मेरे सारे दुख खत्म हो गए, गुरु ने मुझे परमेश्वर से मिला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे हृदय में नाम का प्रकाश कर दिया। किसने? वो जो अकाल मूरत है। अकाल, अकाल का भावना सत्संग जी बड़े ध्यान से समझना। अकाल का भाव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में तीन जगह पर आया है, तीन प्रकार से आया है। जहां पर भी अज्ञान की बात की गई है, जहां पर भी माया की बात की गई है, जहां पर भी समय की बात की गई है, वहां पर नाम आया है काल। काल के अधीन, काल माया समय और अज्ञान, इन तीनों की तुलना काल से की गई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। काल, और जो मूल इसका सबसे ज्यादा जहां पर काल की बात आई उसको वहां पर आया है समा। जो काल, समा, टाइम, हम सब काल के भीतर हैं, काल के अधीन हैं। हम इंसान ही नहीं देवता भी काल के अधीन हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को सिद्धों ने सवाल किया था, ये आगे विचार आएगा, कि देवता तो काल के अधीन नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के अधीन नहीं। तो गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर साबित किया कि सब काल के अधीन है सिवाय उस एक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काल, काल का भाव समय। हम सब समय के अधीन हैं, सारी सृष्टि समय के अधीन है, सारे ब्रह्मांड हर चीज समय के अधीन है। और जो समय के अधीन नहीं वो है अकाल। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने समा बनाया है वो है अकाल। पातशाह वाणी में कई जगह पर ये बात को प्रमाणित करते हैं कि जो अकाल है, समा बनाया ही उसने है, वो समय के अधीन कैसे हो सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभु है भी भुवन हारा। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभु है भी भुवन हारा। सफल दर्शन अकाल मूरत।
बड़ी कमाल की पंक्तियां हैं। श्रवण कीजिए, वाणी कहती है, जननी जानत सुत बड़ा होते हैं, इतना कि न जाने ये दिन दिन और घटते हैं। मोर मोर कर अधिक लाड तर पेखत पेखत ही जमराव हसे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कहती है सात संगत जी कि जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना न जाने के दिन दिन औद घटत है। माँ अपने बच्चे का जन्मदिन मनाती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, पर पातशाह कहते हैं असल में तो उसकी उम्र खत्म हो रही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, एक साल बड़ा नहीं हुआ, उसके जीवन में से एक साल माइनस हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोर मोर कर अधिक लाड धर, मेरा बेटा कहकर लाड लड़ाती है अपने बच्चे से माता। पातशाह कहते धर्मराज ये देखकर हंसता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि असल में ये तेरा नहीं, आखिर में मेरे पास ही आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि हम सब काल के अधीन है, काल समय के अधीन। जो कोई भी समय के अधीन आ गया उसका नष्ट होना निश्चित है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर चीज हर वस्तु, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस बात को प्रमाणित करते हैं बड़े कमाल के ढंग से। इन पंक्तियों को जो समझ गया, असल में तो उस एक पर दृष्टि जाती क्यों नहीं, एक ओंकार पर, क्योंकि हम बीच में अटके हुए हैं, बीच रास्ते पर। गुरु नानक पातशाह ने यही उपदेश सिद्धों को दिया था कि वहां पर किसी की दृष्टि पहुंच ही नहीं रही। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी कहा कई बार कि सारे ही देश को देख रहे हो, मुझ को ना देखे तो प्राण प्रतीक है। उस एक ओंकार की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, उसे छोड़कर बाकी सबकी पूजा हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिनको बनाया है उनकी पूजा हो रही, जिसने बनाया है उसे भूले बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं। काल पा ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कन बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल किया तमाशा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं काल पाए ब्रह्मा बपतरा, ब्रह्मा काल के अधीन है। काल पाए शिवजू अवतरा, शिवजी काल के अधीन है। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, काल के अधीन विष्णु जी भी है। सकल काल का किया तमाशा। चाहे भगवान कृष्ण हुए, चाहे भगवान राम हुए, चाहे गुरु नानक देव जी हुए, चाहे जितने भी अवतार हुए, सारे काल के अधीन हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी को भी नहीं कहा है कि वो काल के ऊपर है, सिवाय उस परम शक्ति एक ओंकार के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सकल काल का किया तमाशा। अच्छा, इसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इसे तमाशा कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरबाणी को ध्यान से विचारेंगे ना सात संगत जी, यहां पर एक बात दास थोड़ी सी स्पष्ट कर दे,
दास ना, पूरे गहराई के अर्थ नहीं ले रहा, क्योंकि काफी बातें दास छोड़ रहा है बीच में। कारण यह है कि वो किसी को हजम ही नहीं होंगी, मन पे विश्वास ही नहीं आएगा, वाणी इतनी गहरी बात कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, किंतु परंतु शुरू हो जाएगा, लोग हिल जाएंगे अगर मैंने गहराई के अर्थ बता दिए जो वाणी में लिखे हैं। मैं नहीं कह रहा, वाणी में लिखे हैं, बड़ा सोच समझ के यहां पर मैं तोल मोल के बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी ऐसी पंक्तियां वाणी की सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते कि ऐसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर किसी की श्रद्धा, किसी का हृदय ना टूटे, इसलिए दास वो पंक्तियां नहीं ले रहा है। यहां पर कहने का भाव सिर्फ इतना है, एक बात समझ लेनी चाहिए, दास का भाव किसी के आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है, कभी भी नहीं होता मेरा ये भाव, ना गुरु मेर करे कभी हो कभी। पर वाणी इतनी स्पष्टता से ये बात कहती है ना कि सिवाय उस एक के बाकी सब नष्ट हो जाने वाले हैं। वाणी यहां तक कहती है, जब से सृष्टि बनानी शुरू की है परमात्मा ने, करोड़ों बार सृष्टि को खत्म किया है, करोड़ों बार ये देवी देवता हुए, करोड़ों बार ये देवी देवता खत्म किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, एक बार, दो बार, हजार बार, लाख बार नहीं, करोड़ों बार कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और साइंस कहती है 5,000 साल पहले से ये सब हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। एक्चुअली यहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट का आपस में एकमत ही नहीं होता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर आज तक वाणी की एक पंक्ति को भी कोई झुठला नहीं सका है किसी भी तरह से। तो वाणी तीन काल सत है, कम से कम 50 जगह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में इस बारे में बताया गया है कि करोड़ों बार सृष्टि की सर्जन हुई, सृष्टि में सारे ब्रह्मांड आ गए, और यहां पर एक ब्रह्मांड, एक की बात नहीं हो रही, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड का अंत नहीं पा सके अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो अकाल मूरत समय से परे, समय से परे, वो सबका मालिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफल दर्शन, सफल दर्शन अकाल मूरत का भाव पता है क्या है? पाचा समझा रहे हैं कि इस देही का, इंसानी देही मिल गई, अब ये सफल कब होगी? जब उसके दर्शन होंगे उस अकाल के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब तक ये देही दुख झेलती रहेगी, दुख सुख चलता रहेगा इसके साथ, जब तक इसे उस अकाल के दर्शन नहीं हो जाते। जैसे उससे मिलाप होगा, कंठ लगाए अपने जन राखे, उसके बाद जीवन में से दुख खत्म। पता है क्यों? महापुरुष समझाते थे, कहते गुरु अर्जन देव जी तत्ते तवे पर बैठे हैं, हम तवे पर उंगली रख लें, छाले पड़ जाते, चिल्ला उठते, हाथ रख नहीं सकते, मोमबत्ती में उंगली रख के देख लो, अगरबत्ती लगाकर देख लो, चीख निकल जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ते तवे पर बैठे हैं, क्यों? कहते जिस दिन उससे मिलाप हो जाता है ना, जिस दिन उसके दर्शन हो जाते हैं, कहते उस दिन सुरत शरीर से अलग हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा शरीर से, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाती है। तकलीफ जो भी दुनिया में होती है वो शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए जिस दिन दर्शन हो जाते हैं, जिस दिन, उस दिन ये मनुष्य देही सफल हो जाती है। सफल दर्शन किसके? अकाल के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाल मूरत प्रभ है भी होवनहारा। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है भी होवनहारा। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है भी होवनहारा। प्रभ है भी होवनहारा।
अकाल बियॉन्ड टाइम, जो समय में नहीं। हमारी बर्थ डेट है, बर्थ डेट का मतलब है डेथ डेट भी जरूर होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिसकी हम बात कर रहे हैं अकाल के, उसके जन्म का ही किसी को नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अकाल जो समय में ही नहीं है, जिसकी बर्थ डेट नहीं, उसकी डेथ डेट भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पहलू को बड़े विचित्र ढंग से समझाते हैं और बड़े कमाल का पहलू बताते हैं। श्रवण कीजिए। घटन्त रूपं घटन्त दीपं घटन्त रव शशीय नक्षत्र गगनं घटन्त रूपं घटन्त दीपं घटन् रव शशीय नक्षत्र गगनं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कमाल का पहलू है यहाँ पर, बहुत कमाल का। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक ही पंक्ति में पांच चीजों की बात की है, पर पांच चीजों में जो एक चीज है पहली, वो चारों से मैच नहीं करती। और अगर डिटेल में जाएंगे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज को ये पहली चीज कितनी इंपॉर्टेंट लगी होगी, जबकि मैच भी नहीं भी कर रही तो भी वो लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या लिखा है? घटंत रूपंग, सुंदरता। किसी इंसान में सुंदरता है, वो खूबसूरत है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते वो भी खत्म होगी। आज सुंदर है, कल कुरूप हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जिसे देखने का मन करता है, कल उसे देखकर घिन आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शक्ल ऐसी हो जाती है बुढ़ेपे में किसी न किसी वजह से, चेहरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और साथ में कहां कहे, घटंत दीपं घटंत रव शशि और नक्षत्र गगनं, सूरज चंद्रमा ये सब कम हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सूरज चंद्रमा के साथ गगन के साथ बात किसकी की है? रूप की। क्यों की है? क्योंकि रूप एक ऐसा मद है, संसार सारा संसार जिसके जिसके मोह में फंसा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। रूप भी दो प्रकार का होता है, गुरु नानक पातशाह कहते हैं। एक होता है शारीरिक सुंदरता, शरीर उसका भी सुंदर होता है जिसने जिसे भगवान ने सुंदर बनाया, पर एक सुंदरता आती है नाम जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो नाम जपते हैं, वाणी कहते हैं गुरमुख बूढ़े कदे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरमुख जो है वो बुजुर्ग ही नहीं होते, वो बूढ़े ही नहीं होते। गुरमुख बुढ़े नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है कि जो नाम जपते हैं वो इतने सुंदर हो जाते हैं कि सारा संसार उनके दर्शन करने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहो वाहो करे सही जन सोहणे तिनको प्रजा पूजन आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी सुंदरता एक दिन खत्म हो जाएगी, पर जो नाम जपने से सुंदरता आती है वो सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, बल्कि उम्र के साथ बढ़ती जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितनी कमाई बढ़ती जाती है उतना अधिक वो आकर्षक होते जाता है, आकर्षक उसे देखने का मन करता है। बाबा नंद सिंह जी, बाबा कुंदन सिंह जी दर्शन करके मन नहीं भरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, घटंत घटंत वसुदा गिरतर शिखंड शिखंड धरती, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये दरख्त, ये सब खत्म हो जाएंगे। आगे कहते हैं घटंत ललना सुत प्रात हीतं, स्त्री पुत्र भाई संबंधी सब खत्म हो जाएंगे। आगे
घटंत कनिक मानिक माया स्वरूपम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी जायदाद सब कुछ, चाहे सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे जो भी हो, सब खत्म हो जाना है। नह घटंत केवल गोपाल अच्युत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आगे कमाल की पंक्ति एक और है, अस्थिरंग नानक साध जन। बड़े ध्यान से समझना, एक तरफ कह रहे हैं कि सारे अवतार जितने भी अवतार हुए हैं वो काल के अधीन है, पर यहां पर कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज, न घटंत केवल गोपाल अच्युत, एक वही है गोपाल, एक वही है निरंकार जो कभी खत्म नहीं होता, और दूसरा कौन नहीं खत्म होता, अस्थिरंग नानक साध जन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके साधु, उसके संत, उसका नाम जपने वाले, वो भी खत्म नहीं होते। कैसे? क्योंकि वो एकोंकार का रूप होकर एकोंकार में ही समा जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन नानक लीन भयो गोविंद सियो, जो पानी संग पानी। शरीर खत्म होता है अवतारों का भी, वो भी उसी एकोंकार में जाकर समा जाते हैं, क्योंकि आए ही वहीं से होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और साधु को कितनी बड़ी पदवी दे दी कि एक ओंकार भी खत्म नहीं होता और साधु भी खत्म नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु यहां पर उन्हें कहा है जिन्होंने अपने मन को साध लिया, काम क्रोध लोभ अहंकार को काबू पा लिया, जिसने मन को साध लिया। साधु दो प्रकार के वाणी में आए हैं, एक साधु वो जो साधना के रास्ते पर चल पड़े हैं, एक साधु वो उन्हें समझाया है साधु मन का मान त्यागो, और यहाँ पर जिस साधु की बात की गई है वो जिन्होंने प्राप्ति कर ली है, जिनके हृदय में प्रकाश हो गया है नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसका? अकाल मूरत सफल दर्शन। अकाल मूरत रब है भी भुवन 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 रब है भी भुवन हारा। सफल दर्शन अकाल मूरत रब है भी भुवन हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह से सिद्धों ने सवाल किया कि आप कहते हो कि वो एक ओंकार अकाल मूरत है, काल के अधीन नहीं, देवता भी काल के अधीन नहीं। गुरु नानक पातशाह ने यहां से सिद्धों से कहा कि आप वेदों शास्त्रों को मानते हो? सिद्ध कहने लगे हाँ, उसी के आधार पर हम चलते हैं, जो वेद शास्त्र कहते हैं वैसा ही जप तप, वैसे ही कर्म जो वेद शास्त्र में उपदेश देते हैं। तब गुरु नानक पातशाह ने वेदों में से बात निकाल के बताई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 100 साल इंसान का जीवन इस धरती पर, इंद्र की एक रात, इंद्र देवता की एक रात,
सिद्ध कहने लगे हाँ लिखा हुआ है। गुरु नानक पाशाह ने दूसरा सवाल किया, क्या यह भी लिखा है कि 100 साल पृथ्वी पर किसी इंसान के दिन जीवन और इंद्र का एक दिन? कहने लगा हाँ। गुरु नानक पाशाह कहने लगे, कहने का भाव 200 साल पृथ्वी पर जब बीतते हैं तो इंद्र का एक दिन और एक रात बीतती है। सिद्ध कहने लगे हाँ बिल्कुल लिखा है शास्त्रों में। तब गुरु नानक पाशाह ने आगे कहा, क्या यह भी लिखा है कि जब इस प्रकार इंद्र के 100 साल हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है? शास्त्रों में लिखा है ना। वो कहने लगे हाँ लिखा है। यह भी लिखा है कि जब 100 साल ब्रह्मा जी की आयु हो जाए तो विष्णु जी का एक दिन होता है? सिद्धों ने कहा हाँ लिखा है। और इसी प्रकार 100 साल जब विष्णु जी की आयु हो जाती तो शिव जी का एक दिन होता है? कहने लगे हाँ। तब गुरु नानक पाशाह ने सवाल उठाया, कहने लगे एक बात बताओ, जिनकी आयु गिनी जा रही हो, जो गिनती में आ गई हो, वो गिनती खत्म होगी कि नहीं होगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्ध कहने लगे हाँ इस प्रकार तो हमने विचार ही नहीं किया। गुरु नानक पाशाह कहने लगे, जिसकी आयु गिनी जा रही हो, जिसके दिन रात गिने जा रहे हो, उनका अंत भी आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सृष्टि, सारे देवता, सबकी उम्र लिखी हुई है कितनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे, केवल इस सृष्टि पर नहीं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, गुरु नानक पाशाह कहने लगे, सारे के सारे काल के अधीन है, एक भी ग्रह काल के अधीनता से छोटा हुआ नहीं है। सिद्ध हैरान हुए इस बात पर, विचार में पड़ गए कि सारे देवी देवता काल के अधीन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिनकी आयु गिनी जा रही हो वो काल में ही होते हैं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है सत्संग जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की यंग जनरेशन है ना, वो इस बात पर थोड़ा सा किंतु परंतु करती है कि भाई साहब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है ऐसे कई लोग विचार करते हो, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं भी ऐसा सोचता था। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैं उस लेवल की बात करना चाहता हूँ कि ये कथा हर एक को समझ में आ जाए और गुरबाणी पर किंतु परंतु ना करें। बड़े ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरु नानक पाशाह भी इसे कह रहे हैं हाँ ठीक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर पृथ्वी पर 200 साल बीतते हैं तो इंद्र का एक दिन बीतता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आपको ये पता है, अब ये अतकथनी नहीं है, ये सब सिद्ध है। साइंटिफिकली अगर इसको समझना चाहे तो इस प्रकार से है, हर ग्रह पर ना अपने हिसाब से दिन, अपने हिसाब से रात होते हैं। हर ग्रह पर, पृथ्वी पर ये टाइम है 24 घंटे में दिन रात होता है, पर अलग अलग ग्रह पे कई जगह ऐसे भी हैं, कई ग्रह ऐसे भी जहाँ 6 महीने बाद रात आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कई उससे भी बढ़कर, गुरु नानक पाशाह ने, मैं यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी बातें लिखी हैं गुरु नानक पाशाह ने जन्म साखी में कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं तो लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं। मैं सारी बातें नहीं बोलता, पर छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ साइंटिफिकली अगर इसे समझना हो तो। पृथ्वी पर जब 1 महीना बीतता है तो चांद पर 1 दिन बीतता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तो साइंस मान चुकी है, इतना तो साइंस भी मान चुकी है कि जब पृथ्वी पर 1 महीना बीतता है, चांद पर 1 दिन बीतता है, 1 दिन और 1 रात। यहां से अंदाजा लगाओ पृथ्वी से कितनी दूर है चांद, उसकी इतनी दूरी से इतना फर्क पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कई साइंटिस्ट तो इस बात को भी नहीं मानते, दो राय है इस पे। कई साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, क्योंकि चांद सूरज का चक्र पूरा करता है 1 साल में, इसलिए उसका 1 दिन 1 साल में होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तक इसमें 2 राय है, पर साइंटिफिकली ये तो प्रूवन है ना, हमें पढ़ाई में भी पढ़ाया गया है। अगर इतने से डिफरेंस से, इतने से अंतर से 30 दिन का फर्क पड़ सकता है, अंदाजा लगाइए फिर कि ये वेद शास्त्र कहाँ झूठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी को हम कैसे किंतु परंतु कर दें? असल में हम, मैंने दास ने पहले भी कहा था, हम तो बस अपने वेदों शास्त्रों पर विश्वास ला ही नहीं पाए, अपने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी पर भी किंतु परंतु करने लग गए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर बाहर के फॉरेन के साइंटिस्ट्स
उन्होंने हमारे वेदों की जो उनके हैं भी नहीं उन पर रिसर्च करके एटम बम बना लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की बात नहीं है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसे इस बात पर विश्वास भी आ गया कि वेद शास्त्र सच कह रहे हैं, उस पर उसने शुरू किया काम करना और एटम बम बना लिया। पर हम अपने वेदों शास्त्रों पर किंतु परंतु करते रह गए। और बनाया भी कैसे, कैसे बनाया, कमाल की बात है। दास ने शायद पहले भी बताई है, भगवत गीता में जब उसने पढ़ा अणुअस्त्र जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जो एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी चलाने वाले थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है, पर फिर कभी लेगा क्योंकि बात का रास्ता बदल जाएगा। इन साइंटिस्ट का नाम है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिसे फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। इसने जब एटम बम का विस्फोट देखा था, उस वक्त इसने एक बात कही थी सात संगत जी, जो श्रीमद् भगवत गीता में से वो श्लोक था जो इसने उच्चारण किया था उस वक्त, और वो लाइन इतनी फेमस हो गई है कि आज तक लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। क्या कहा उसने, नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि अब मैं मौत बन गया हूं। एटम बम को जब उसने देखा फटते हुए 40,000 की ऊंचाई पर, जब मशरूम जैसा क्लाउड देखा उसने, तो उसने ये लाइन का उच्चारण किया। और उसने कहा, ये लाइन मैं उच्चारण उसमें से कर रहा हूं, कहां से, श्रीमद् भगवत गीता में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अपने कितने भी वेद शास्त्र हैं, अगर इसका अध्ययन का साथ ले लेना साइंस, तो इतना कुछ पाले के वो सोच भी नहीं सकते। गुरु नानक पातशाह ने यहां से लेकर सचखंड तक के किलोमीटर लिख दिए कि सचखंड कहां पे, डायरेक्शन तक बताई हुई है, नॉर्थ ईस्ट बताकर प्रॉपरली जन्म साखी में। पर हमें विश्वास नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि सचखंड कहां पर जाकर है, इतना तक बता दिया है। ध्रुव नगरी कहां पर जाकर है, इंडिया अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है, वो दूरी लिखी हुई है माइल्स में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मुझे पता है कि कोई ना कोई बाहर का साइंटिस्ट इसे फॉलो करके पालेगा, पर हम इंडियंस, हम अपने ही वेदों शास्त्रों पर, हम अपने ही कल्चर पर, हम अपने ही ग्रंथों पर किंतु परंतु करते हुए मर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझा रहे हैं, सिद्ध समझ रहे हैं, काश हमारी समझ में भी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात चल रही है अकाल मूर्त की, वो काल से परे है। अकाल, काल, अकाल मूर्त। अकाल अलग लफ्ज है, मूर्त अलग लफ्ज है। अकाल का दास ने पहले ही बताया, तीन प्रकार से प्रयोग किया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में, जहां पर अज्ञान की बात आए, जहां पर समय की बात आए, और जहां पर माया की बात आए, वहां पर काल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सफल दर्शन अकाल मूरत तब है भी हो से बोलिए धन। ऐसे कई मिलते हैं सात संगत जी जो कहते हैं भगवान है तो दिखाओ, भगवान है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्हें नास्तिक नाम दिया जाता है वो लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, कि भगवान है ही नहीं। गुरु रामदास जी बड़े निराले ढंग से ऐसे लोगों को समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बड़े ही अनोखे ढंग से, बड़े कमाल का पहलू है। गुरु रामदास जी कहते हैं, श्रवण कर लीजिए फिर अर्थ लेते हैं। पंच तत्व कर तू सृष्टि सब साजे,
कोई चेवा करे ओ जे किछ कीता होवे। फिर से पंच तत् कर तुद सृष्ट सब साध, कोई छेवा करियो जे किछ कीता होवे। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई रामदास जी कहते हैं, क्योंकि जो ये कहते हैं ना भगवान ने, वो कहते हैं कि सब कुछ इंसान ने बनाया है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी टेक्नोलॉजी, मोबाइल, हर चीज इंसान ने तो बनाई है, भगवान ने क्या किया। वो रामदास जी उन्हें समझा रहे हैं अपनी वाणी में, कहते भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की पांच तत्वों से, पंच तत्व कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई छेवा करियो ये किच किता हो। पांच तत्वों से भगवान ने सृष्टि बनाई। पांच तत्व कौन से, सबको पता है, जमीन, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, पांच तत्व। पांच कुछ भी बना हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे इंसान हो, पांच तत्वों से बनी है। जमीन, आकाश, हवा, पानी और अग्नि हर एक में है, उसके बिना नहीं बनता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहते हैं अगर इंसान तूने सब कुछ बनाया है तो एक छेवा तत्व भी बना देना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, छेवा तत्व बना के दिखा। इस सृष्टि में पांच तत्व हैं, तो छेवा बना के दिखा तब मानेंगे हम कि सब कुछ तूने बनाया है। और जिसने पांच तत्व बनाए हैं, हमें कुछ भी बनाने के लिए पांच तत्व लगते हैं। कुछ भी बनाना हो तो ये पांच तत्वों के बिना हम नहीं बना सकते। और उसे पांच तत्व बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कौन? एक ओंकार जो सत है, सत नाम, इसका नाम सत नाम है, जो सारे संसार का कर्ता है, कर्ता पुरख। निर्भव है जिसे किसी का डर नहीं, निर्वैर है किसी से बैर नहीं, जो अकाल मूर्त है, जो अकाल है, समय से परे, समय के अधीन नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभु है भी हो बनहारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभु है भी हो बनहारा। प्रभु है भी भवन हारा, क्या से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज पांचवें गुरु नानक अपनी वाणी में समझाते हैं क्या। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत किनो विस्थार। आ गई ना वही बात जो दास ने पहले कही थी। वाणी कह रही है करोड़ों बार, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों अवतार हो चुके हैं जिनका हमें नहीं पता, करोड़ों युग भी चुके हैं जिनका हमें नहीं पता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कई कोट खानी और खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कई बार पसरियो पासार, कई बार, गिनती नहीं है कितनी बार ये पसारा बना है, कितनी बार खत्म हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बार परलय आ चुकी है, गिनती नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार पसरियो पासा, सदा सदा एक एकंकार, सदा सदा एक एकंकार।
सदा सदा एक एकंकार कई कोट कीने बहु भाव प्रभ ते होए प्रभ माहि समान ताका अंत न जाने कोई ताका अंत न जाने कोई आते आप नानक प्रभ सोए। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अर्थ करें इसके, क्या अर्थ करें इसके, इतनी बार के गिनती नहीं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो जहां से शुरू हुआ था उसी में जाके समा जाता है। किससे? एक ओंकार। प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताका अंत ना जाने कोई। गुरु नानक पातशाह से सिद्धों ने पूछा कि उसी एक ओंकार की व्याख्या अगर शॉर्ट में करनी हो तो कौन सा लफ्ज है, कौन सा लफ्ज है उस एक ओंकार की व्याख्या अगर शॉर्ट में करनी हो एक अक्षर में, तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे एक ही अक्षर है, वो है बेअंत। बस जिसका अंत नहीं पाया जा सकता, चाहे कितना भी व्याख्या कर लो, चाहे कितना भी समझ लो समझा लो, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेअंत कौन? सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है वे धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस शब्द की दूसरी पंक्ति बड़ी प्रेम वाली है, बड़ी प्रेम वाली, और इस प्रेम की पंक्तियों पर एक बड़ी प्यारी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अर्थ चल रहे हैं श्री जपजी साहब जी की वाणी के। श्री जपजी साहब जी की वाणी की वडियाई भी है इसमें और प्रेम की बात भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि पंक्तियां गुरबाणी की हैं, कभी गलत नहीं हो सकती, बस हमारी समझ छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कुछ और लगता है तो हमारी समझ छोटी है, पर वाणी कह रही है। क्या कह रही है? कंठ लगाए अपने जन राखे, छेवी पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की घटना।
मेरी पीरे के मालिक गुरु हरगोविंद साहब जी। कैसे ये वाणी की पंक्तियां तीन काल साते हैं, ये घटना साबित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। एक बालक और उसकी माता जो विधवा है, जिसका घर वाला गुजर चुका है, अत की गरीबी है घर में। बालक अब बड़ा नहीं हुआ है, टीनेज है उसकी, छोटा है अभी। मजदूरी करने जाता है, कुछ मिल जाता है, जितना काम किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। जब रोज सुबह उठता है, माता उसे कहती है, बेटा कुछ बड़ा काम कर, कुछ ज्यादा मजदूरी मिल जाए, ताकि मैं गुरु हरगोविंद साहब जी के दर्शन करने जा सकूं, खर्चा होगा रास्ते में। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। सारे गांवों से संगत इकट्ठी होकर जाती है गुरु हरगोविंद साहब जी के दर्शन करने। मैं नहीं जा पाती क्योंकि रास्ते के खर्चे के लिए पैसे नहीं होते। कोशिश कर कोई अच्छा काम मिल जाए जिसमें मजदूरी ज्यादा मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। और जब वो मजदूरी के लिए घर से निकलने लगता है ना, तो माता एक काम करती है रोज। धन है ऐसी माता, माता होनी ही ऐसी चाहिए। बाणी कहती है, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। क्या करती है, क्योंकि समर्था नहीं, तो दो रोटियां देती है उसे नमक के साथ खाने के लिए, क्योंकि सब्जी के लिए पैसे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं, बड़ी मुश्किल से दो रोटियां उसे देती है दिन में। एक समय जब काम पे जाता है सुबह नमक के साथ, पर वो रोटियां आगे रखे ना, उसे कहती है कि जब भी काम पर जाता है सबसे पहले मुझे श्री जपजी साहब जी की बाणी सुना कर जाया कर। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। ये रोज का उनका नियम है कि बालक बैठ जाता है, माता दो रोटियां नमक लाकर रखती है, पानी रखती है, और सामने बैठ जाती है। वो बालक प्रेम से श्रद्धा से श्री जपजी साहब जी का पाठ सुनाता है माता को, और फिर माता कहती है भोजन खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। ऐतिहासिक घटना है, माता कहती है भोजन खा ले। वो भोजन खाकर काम पर चला जाता है, मजदूरी जो मिलती है करता है। अब उसका एक मित्र भी है जिससे वो बातें करता है कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि अपनी माता को मैं बेच सकूं गुरु हरगोविंद साहब जी के दर्शन करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। उसके मन की भावनाएं, और जब वो पाठ करने बैठता है रोज, माता से पूछता है, माता वाणी पढ़कर क्या मिलेगा, ये जो वाणी तू पढ़ाती है श्री जपजी साहब जी की। माता कहती है वाणी पढ़कर जो मांगो वो मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। बालक है, उसके मन में भावना जागी। जब काफी समय हो गया ना पाठ करते हुए, रोज यही नियम है कि जब खाना खाने के लिए निकलता है, श्री जपजी साहब जी की वाणी प्रेम से अपने माता को सुनाता है एक एक लफ्ज। तो एक दिन उसकी आंखों में आंसू है, छोटे बालक की आंखों में आंसू। माता कहती क्यों भाई रो क्यों रहा है आज। कहने लगा, माता तू कहती है वाणी पढ़ने से जो कहो वो मिलता है, मैं रोज अरदास करता हूं कि या तो मुझे कोई बड़ी मजदूरी दे दे जिससे पैसे आ जाए, मैं तुझे भेज सकूं गुरु हरगोविंद साहब जी के दर्शन करने, या तो फिर तू खुद ही आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कितने महीने हो गए पढ़ते हुए माता वाणी, श्री जपजी साहब जी का पाठ करते हुए, ना तो मजदूरी मिलती है बड़ी, ना ही वो आता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। माता की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा वाणी पड़ी हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती, अगर तू अरदास कर रहा है मेरे लिए कि वो दर्शन देने आ जाए, तो जिस दिन उनका मन किया, क्योंकि दर्शन गुरु प्रसाद से होते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, उसकी मर्जी उसकी कृपा, तो जरूर वो दर्शन देंगे या कोई विध बनाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। माता ने बच्चे का दिल रखा और ये बात की। समय चलता गया। एक दिन जब मजदूरी करने गया है, मजदूरी के लिए जा रहा है, तो उसका मित्र भागता हुआ उसके पास आया, कहता है रोज जिस गुरु की तू बात करता है ना, गुरु हरगोविंद साहब जी साथ वाले गांव में आए हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। सारी भीड़ वहां इकट्ठी है, लोग लाइन लगाकर खड़े हैं दर्शनों के लिए, चल तू भी चल। और वो भी दौड़ पड़ा कि गुरु हरगोविंद साहब जी जिनके दर्शनों के लिए तरस रही है माता,
मैं उनको जाके बेनती करता हूँ कि मेरे घर चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चला गया वहां पर, लाइन लगी हुई है, ये भी लाइन में खड़ा हो गया, दूर से दर्शन करके प्रसन्न हो रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ चढ़ा रहे हैं, कोई महंगे दुशाले, कीमती शॉल, महंगे महंगे सामान चढ़ा रहे हैं गुरु हरगोविंद साहब जी के चरणों में। जब इसकी बारी आई, ये घबरा गया, थोड़ा दूर ही था, इसने जेब में हाथ डाला, कुछ भी नहीं। एक गुड़ की रेवड़ी इसकी माता इसे दिया करती थी, गुड़ की रेवड़ी बड़ी सी, कि जब बहुत भूख लगे तो इसे खाकर पानी पी लिया कर बहुत सारा पेट भर जाएगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि एक समय ही खाना खा पाते थे। वो रेवड़ी इसने निकाली जो एक कपड़े में लपेटी हुई थी, कई सारी गांठे मारी हुई थी उसको, पर शर्मा के फिर से जेब में रख दी। मैं गुरु साहब जी के सामने एक रेवड़ी रखूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरे अंतर्यामी पातशाह गुरु हरगोविंद साहब जी साथ संगत जी। वो सारा सामान छोड़कर जब ये इसने इसके मन में ये विचार आया, इसने वो गठड़ी अपने जेब में वापस डाली, गुरु हरगोविंद साहब जी सिंहासन से उठ खड़े हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़ लें। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है वे भुवन हारा। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है वे भुवन हारा। कंठ लाए जैसे ही उस बालक के मन में ये ख्याल आया कि गुरु के सामने लोग इतना महंगा महंगा सामान चढ़ा रहे हैं, मैं गुड़ की रेवड़ी कैसे रखूं, शर्मा गया अपनी गरीबी पर। फटे हुए कपड़े हैं उसके जेब में, उसने वो रेवड़ी जैसे ही रखी वापस, गुरु हरगोविंद साहब जी अपने सिंहासन से खड़े हो उठे और उसकी तरफ बढ़ चले और आवाज दे के कहा, पल्लिया जो लाया वो देगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में इस बालक का नाम भाई पल्ला आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पल्लिया जो मेरे लिए लाया है वो देगा नहीं, निकाल के वापस क्यों रख दिए। उसने शर्मा कर वो गठड़ी गुरु हरगोविंद साहब जी के हाथों में रख दी, चरणों पर माथा टेका। महापुरुष ये घटना सुनाते हुए कहते थे, गुरु हरगोविंद साहब जी अपने हाथों से वो गांठे खोल रहे हैं, अपने हाथों से एक एक गांठ खोल रहे हैं। बहुत सारी गांठे मार के रखी हुई है उसने, एक रेवड़ी को वो खोल रहे हैं। महापुरुष कहते थे, वो गांठ कौन सी गांठ होगी जो गुरु हरगोविंद साहब जी खोल रहे हैं? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, पल्ले की सारे गांठे खोल दी उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
और वो रेवड़ी अपने मुख में डाली। अब पल्ले के भीतर हिम्मत जागी, गुरु साहब जी खुद चलकर उसके पास आए। पहले तो उसे विश्वास ना हुआ, माथा टेका, शरीर कांप रहा है। कहते पाछा एक बेनती है। गुरुगोविंद सिंह जी कहते हाँ बोल पल्ले, जो चाहिए बता। कहने लगे मेरी माता आपके दर्शनों के लिए व्याकुल है, रोज अरदासें करती है आपके दर्शनों को, आना चाहती है पर आ नहीं पाती, घर में बहुत गरीबी है, तो आप चलो ना मेरे घर, पास में ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरे छेवें गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे चल पल्लिया, चल तेरे गांव चलते हैं। पल्ले कहते पाछा घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं लगाम पकड़ लेता हूँ। मेरे गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे नहीं, घोड़े पर नहीं, हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा बालक जैसे मित्र एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के चलते हैं ना, गुरु हरगोविंद साहब जी पल्ले के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ उसके घर जा रहे, सारी संगत पीछे पीछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता ने संगत का शोर सुना, इतने सारे लोग घर की तरफ आ रहे, बाहर जाकर देखा, हैरान हो गई कि सृष्टि के मालिक छेवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी आ रहे हैं घर पे, वो भी पल्ले के गले में हाथ डालकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दौड़ कर गई, चार पाई बिछाई, जो कुछ उसके पास था जो कर सकती थी सफाई करके चादर बिछा के गुरु हरगोविंद साहब जी से बेनती करती है कि इस पे बैठिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कह लगे माता बहुत भूख लगी है, पहले भोजन खिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो माता वही दो रोटियां नमक के साथ लेकर आई, गुरु हरगोविंद साहब जी के सामने पानी के साथ अदब सत्कार से रखा। कहने की पाछा हम गरीबों के पास यही है, ये सूखी रोटी और नमक, कृपा इसे खाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, परवान कीजिए। यहाँ पर गुरु हरगोविंद साहब जी ने जो बात कही वो सुनकर तो एक बार मैं भी सोच में पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वाणी की पंक्तियां जो कह रही है वो प्रमाणित कर दिया गुरु हरगोविंद साहब जी ने। मेरी पीरी के मालिक कहने लगे माता नहीं, हम ये भोजन नहीं खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता रो पड़ी, पाछा हम गरीब हैं, हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं। माता को लगा कि गुरु साहब जी कह रहे हैं कि ये सूखी रोटी और नमक मैं नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता कहने लगी पाछा यही है। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे नहीं, ये भोजन हम नहीं खा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हम नहीं खाएंगे, हमें वो भोजन खिला जो तू रोज खिलाती है। माता हैरान, पल्ला भी हैरान। पल्ला कहता पाछा हमने आपको कब भोजन खिलाया, पहली बार तो हमारे घर पे आए हो। पाछा कहने लगे नहीं, मैं रोज तुम्हारे घर पे आता हूं, रोज। पल्ला चुप, माता की तरफ देखता है, माता पल्ले की तरफ। फिर बेनती की पाछा पहली बार हमारे घर पे आयो, पहली बार तो भोजन रखा है। गुरु हरगोविंद साहब जी ने रमस खोली, कहने लगे नहीं, जब माता तू रोटी देती है इसे और ये जिस श्रद्धा से सत्कार से प्रेम से तुझे श्री जपजी साहब जी की बाणी सुनाता है तब हम यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमें वो भोजन खिला जो तू रोज खिलाती है, ये पढ़ता है तो सुनती है, ये प्रेम से पढ़ता है, हमें वो भोजन वाणी का भोजन खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज वो दिन आ गया जब रोज श्री जपजी साहब जी का पाठ वो श्रद्धा से करता है, माता को सुनाता है। आज गुरु हरगोविंद साहब जी साथ में बैठकर वो बाणी सुन रहे हैं श्री जपजी साहब जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये बाणी की पंक्तियां कंठ लगाए अपने जन रखे हैं अपनी प्रीत प्यारा, कि जहां पर कोई प्रेम से उसे याद करता है, जहां पर कोई बाणी पढ़कर उसे याद करता है वो साथ में होता है। गुरु हरगोविंद साहब जी कह रहे हैं पृथक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमारे मन में ये भावना आती है कि हम जब पढ़ रहे हैं वाणी तो गुरु साथ में है कि नहीं है, वो होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर पल्ले का हृदय कितना साफ होगा, कितना निर्वैर होगा,
इतना पवित्र होगा कि उसका एक श्री जब जी साहब जी का पाठ किया हुआ गुरु हरगोविंद साहब जी को उसके घर पर ले आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस वो आ जाए किसी तरह से। गुरु हरगोविंद साहब जी कह रहे रोज मैं बैठा होता हूं जब पल्या, जब तू पाठ बाणी पढ़ता है श्री जपजी साहब जी की, मैं साथ में बैठकर सुनता हूँ, मुझे वही सुननी है। और आज पल्ले ने वो बाणी सुनाई, और बाणी सुनने के बाद गुरु हरगोविंद साहब जी ने वो दो प्रसादे खाए, वो दो रोटियां नमक के साथ खाकर कहने लगे कि आज यहाँ पर जो मैंने खाई है सूखी रोटी, आज के बाद यहाँ पर सूखी रोटी नहीं होगी, 36 प्रकार के पदार्थ होंगे। जिस झोंपड़ी में मैं बैठा हूँ यहाँ पर सोने के छत्र झूलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बकाले के पास गुरुद्वारा है जहाँ पर सोने के छत्र हैं, सोने के कलश हैं, जहाँ पर 36 प्रकार के भोजन आज भी बांटे जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन किए मेरे सृष्टि के मालिक ने और पूरे तो होने ही थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस घटना से एक बात बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। साथ शिक्षा तो कई हैं, एक बहुत बड़ी है कि जब प्रेम से कोई बाणी पढ़ता है, प्रेम से कोई उसे याद करता है, उसकी याद में रोता है, तो वह अकेला नहीं होता, गुरु साथ में होता है। जिस प्रकार पल्ले को भी नहीं पता था कि गुरु हरगोविंद साहब जी साथ में बैठकर बाणी सुन रहे हैं, क्या पता हमारे साथ भी वो बैठे रहते हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उतना प्रेम हम में आ जाए, उतनी श्रद्धा हम में आ जाए, उतना विश्वास, कम से कम उतनी निर्मलता आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लाने वाला भी वही है। आखिर में तो ये कहना ही पड़ेगा, गुर प्रसाद। कितना क्या पाठ कर लेंगे हम, क्या सेवा कर लेंगे हम, तो सब करके गवा लेते हैं, सब कुछ गवा लेते हैं। हे बादशाह, हमारे करने से नहीं होगा, हमारी मेहनत से नहीं होगा। घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घाल ना घाल कर नहीं, सेवा करके भी नहीं, मिलियो आए अचिंता, मेहर करे गुरु नानक, मेहर कर। ये जो पंक्तियां गा रहे हैं, ये जीवन में घटित हो जाए। सफल दर्शन अकाल मूरत, रब है भी हो बनहारा। ये जन्म सफल हो जाए अगर उसके दर्शन हो जाए। सफल दर्शन अकाल मूरत, रब है भी हो बनहारा।
सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभु है वे भुवन हारा सफल दर्शन दर्शन संगत जी एक छोटी सी बेनती कि कल दिवाली है और बंदी छोड़ दिवस भी है। बंदी छोड़ दिवस आज हमने जो साखी सरवन की गुरु हरगोविंद साहिब जी की मेरी पीरी के मालिक कल वो बंदी छोड़ दिवस भी उनका ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक बंदी छोड़ दिवस 52 राजाओं को कैद से मुक्त कराया था गुरु हरगोविंद साहिब जी ने और सारे राजाओं को लेकर पहुंचे थे श्री हरमंदर साहिब जहां पर आज का दिन मनाया जाता है। महापुरुष वचन किया करते थे कि बंदी छोड़ दिवस 52 राजाओं को गुरु हरगोविंद साहिब जी ने मुक्त किया। 6वें गुरु नानक जिन्हें श्री जपजी साहिब जी की बाणी सुनकर जिन्होंने उठ खड़े हुए थे अपने सिंहासन पर
गुरुगद्दी देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गोपाला पर प्रसन्न हो गए थे श्री जपजी साहब जी की बाणी सुनकर। भाई पल्ले पर प्रसन्न हो गए श्री जपजी साहब जी की बाणी सुनकर। तो हाथ जोड़कर दास की बेनती है, कल दिवाली भी है और कल बंदी छोड़ दिवस भी है, दो काम दास हमेशा कहता है हाथ जोड़कर, दो काम जरूर करें। एक तो श्री जपजी साहब जी की बाणी के ज्यादा से ज्यादा पाठ करें। जब संगत अमृत वेले पाठ करती है 4:15 बजे, सारी संगत जुड़कर उस वक्त भी लाभ लें, शाम को भी लाभ लें, और कुछ एक्स्ट्रा पाठ करें श्री जपजी साहब जी के, गुरु हरगोविंद साहब जी की खुशी में, बंदी छोड़ दिवस की खुशी में। और दिवाली के लिए दास हमेशा बेनती करता है सारी संगत को कि कोशिश करो किसी दूसरे की दिवाली बन जाए, जो आपके आस पड़ोस जरूरतमंद हो उनकी मदद कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोगों का बहुत बुरा हाल है, बहुत तकलीफों में है लोग। पटाखे वगैरह ना चलाकर वो पैसे बचाकर गरीब जरूरतमंद की मदद करें, अगर हो सके तो उनके घर में भोजन का प्रबंध करें, जो आपको सही लगे, जितनी आपकी समर्थता हो। दास तो हमेशा यही कहता है गुरु नानक मेहर करें, क्योंकि हमें गुरु ने शिक्षा ये दी है, जो सिख है गुरु का वो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।